Hello students. Today we are going to read chapter 12 The Village Blacksmith from our book New Images of Class 5th English. So the village blacksmith. Blacksmith means the person whose profession is making and repairing things made with iron and sailing them. The, the village blacksmith who is a hardworking common man. एक बहुत ही मेहनती और जो आम आदमी है उसके बारे में ये स्टोरी है बिफोर रीडिंग द पोयम हम लोग थोड़ा सा इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं हैंनरी वाट्सवर्थ लॉन्गफेलो एटीन हंड्रेड सेवन टू एटीन एटी टू वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड एजुकेटर हैंनरी वाट्सवर्थ लॉन्ग फेलो हमारे ऑथर का नाम है एटीन सेवन में वो बोर्न थे और एटीन एटी टू में ही वॉज डाइड वो एक अमेरिकन पोइट थे अमेरिकन कवि थे और एजुकेटर थे ही वॉज़ बोर्न इन पोर्टलैंड मैने यू एस एस ए के पोर्टलैंड में मैने में वो पैदा हुए थे ही पब्लिश इज़ फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ थर्टीन तेरह साल के जब वो थे तब उनकी पहली पोएम पब्लिश हो गई थी छप गई थी ही वॉज एन एवरेड रीडर and liked रीडिंग स्टोरी सेट इन फॉरन lands। वो बहुत ही उत्सुक पाठक थे उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था और उन्हें जो फॉरन लैंड्स के बारे में जो कहानियाँ होती थी जो विदेश की धरती की कहानियाँ होती थी वो उन्हें बहुत ही पसंद थी ही वॉज़ वेल वर्स्ड इन सेवरल फॉरन लैंग्वेज वो बहुत ही उनका यानी कि वो वेल well वर्स थे बहुत अच्छे से उनको आती थी फॉरन लैंग्वेज सेवरल मीन्स काफ़ी सारी जो फ़ॉरेन लैंग्वेज थी वो उनको बहुत सारी अच्छे से आती थी हिज़ वर्ग्स इन्क्लूड द सॉन्ग ऑफ हिवा हाईवाथा एंड द एरो एंड द सॉन्ग द सॉन्ग ऑफ हाईवाथा एक उनकी पोएम है और द एरो एंड द सॉन्ग ये भी उनकी एक पोएम है मैनी ऑफ हिज पोएम्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू टू ट्वेंटी फोर लैंग्वेज उनकी बहुत सारी जो पोएम्स थी वो ट्वेंटी फोर चौबीस भाषाओं में ट्रांसलेट हुई थी उनका अनुवाद किया गया था दिलेज ब्लैक स्मिथ इज़ अ पोएम पब्लिश्ड इन द निकर बॉकर मैगजीन इन एटीन हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं विलेज ब्लैक स्मिथ ये निकर बॉकर नाम की एक मैगज़ीन है बहुत ही वेल नोन मैगजीन है ये उसमें पत्रिका है मैगजीन मीन्स पत्रिका उस मैगजीन में 1840 में ये पब्लिश हुई थी यानी आज से लगभग 80 इयर्स बिफोर इट वाज 80 नहीं 180 इयर्स एगो लॉन्ग फेलो यूज टू पास अ कैम्ब्रिज स्मिथी एवरी डे एज ही वॉक टू हार्वर्ड कॉलेज वेयर ही यूज टू टीच हार्वर्ड कॉलेज में ये पढ़ाते थे हमारे जो लेखक है लॉन्ग फेलो और ये कैम्ब्रिज स्मिथी एक जो ये स्मिथी स्मिथी बोलते हैं जहाँ पर ये ब्लैक स्मिथ काम करता है ना इसकी जो वर्कशॉप होती है इसकी जो शॉप होती है उसे स्मिथी कहा जाता है तो कैम्ब्रिज स्मिथी जो थी उसके बाहर से हमेशा पास होते थे जब भी ये हार्वर्ड कॉलेज जाते थे पढ़ाने के लिए इट इज़ बिलीव दैट दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन हिम ऐसा माना जाता है कि ये जो पोएम है ये उसी ब्लैक स्मिथ के ऊपर बेस्ड है उन्होंने उसी के हिसाब से उसी के ऊपर ये पोएम लिखी है हाउ एवर Longfellow told his father that the poem is based on their ancestor Stephen Longfellow, who was a blacksmith. हालांकि जो लॉन्ग फेलो हैं हमारे जो लेखक हैं उन्होंने अपने फादर को बताया था कि ये जो पोएम है ये उनके एनसेस्टर यानी उनके जो पूर्वज थे स्टीफन लॉन्ग फेलो उनके दादा पर दादा कोई थे उनके ऊपर वो एक ब्लैक स्मिथ थे और उनके ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है द पोएम इज रिटन एज अ काइंड ऑफ अ बलार्ड ये पोएम जो है एक बैलेड की तरह लिखी गई है अ बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री दट टेल्स अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंसेज बैलेड एक इस टाइप की कविता होती है इस टाइप की पोयम होती है जिसमें छोटे छोटे अंतरों में छोटे छोटे जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें एक पोएम की तरह एक कहानी सुनाई जाती है तो इस पोएम में भी हमको द विलेज ब्लैक स्मिथ एक विलेज में जो ब्लैक स्मिथ था उसकी कहानी पूरी सुनाई गई है तो आइए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं पोयम से पहले ये मेरा ट्वेल्थ चैप्टर है इस बुक का और आप लोगों का सबका बहुत धन्यवाद आपने मेरे चैनल को काफ़ी पसंद किया है बहुत सारे मेरे वीडियोस देखे हैं और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस डालती रहूँगी नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग टू पुट वीडियोस ऑफ क्लास सिक्स न्यू इमेजेस तो आप लोग मुझे बताइएगा एंड चैप्टर थर्टीन और फोर्टीन ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और इस बार से पिछले दो चैप्टर से मैंने क्वेश्चन आंसर भी ऐड किए हैं तो उसके बारे में भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा क्वेश्चन आंसर वाला जो आइडिया है वो कैसा लग रहा है और मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ तो प्लीज़ इस बार भी इस चैप्टर के एंड में इस वीडियो के एंड में मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए थैंक यू तो चलिए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिति स्टैंड उस ब्लैक स्मिथ जिसके बारे में हमारे पोइट बात कर रहे हैं ये बताया गया है सबसे पहला जो जो ए, पहले दो सेंटेंस है वो उसकी स्मिथि उसकी जो वर्कशॉप है वो कहाँ है कैसा दिखता है कैसे काम करता है उसके बारे में है पहले दो अंतरे तो हम पढ़ते हैं अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिति स्टैंड वो जो विलेज स्मिति है गाँव की जो एक स्मिथी है वर्कशॉप है लोहार की जो दुकान है वो एक स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री अच्छे फैले हुए से चेस्टनट ट्री चेस्टनट बेटा एक तरह का नट होता है एक ड्राई फ्रूट होता है जो यहाँ पे नहीं होता अमेरिका में होता है तो उसका एक ट्री है उस ट्री के नीचे उस गांव में उस पे उस ब्लैक स्मिथ की जो है वर्कशॉप है द स्मिथ इज अ माइटी द स्मिथ अ माइटी मैन इज ही विद लार्ज एंड सीन्यू हैंड्स एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स वो जो स्मिथ है वो एक काफी ताकतवर इंसान है माइटी मींस ताकतवर बलशाली व्यक्ति है विद लार्ज एंड सिन्यूई हैंड्स बहुत ही बड़े बड़े उसके और बलशाली हाथ हैं उसके मसल मस्कुल, मस्क्यूलर उसके हाथ हैं एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्रॉनी आर्म्स उसकी जो ताकतवर ब्रॉनी मीन्स ताकतवर बहुत ही शक्तिशाली जो उसकी बाहें हैं उनकी जो मसल्स है वो ऐसे दिखती हैं जैसे आयरन बैंड्स की तरह वो स्ट्रॉन्ग है जैसे लोहे की कड़ियाँ होती है ना मजबूत सी एकदम कठोर सी वैसी उसकी बाहें दिखती हैं इसका मतलब क्या सिन्यूई ब्राउनी माइटी ये सब बेटा एक तरह से सिनोनिम्स हैं सभी पावरफुल मस्क्यूलर स्ट्रॉन्ग के लिए यूज किए जाते हैं सो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन हिज हेयर इज़ क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग हिज फेस इज लाइक द टैन उसके बाल जो है वो क्रिस्प हैं अब बाल क्रिस्प कैसे होते हैं देखो कभी पसीना होता है ना फिर सूख जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी में जब हम रहते हैं तो बाल कभी कभी हमारे एकदम कड़क हो जाते हैं तो हिज हेयर इज़ क्रिस्प उसके बाल पसीने में बार बार पसीना आता है सूख जाता है इस तरह से उसके बाल क्रिस्प हो चुके हैं और वो काफ़ी काले बाल हैं लंबे बाल हैं उसके हिज़ फ़ेस इज़ लाइक द टैन धूप में बहुत देर रहने पर जैसे हमारी स्किन टैन हो जाती है तो ऐसे उसका पूरा फेस टैन हो चुका है हिज़ ब्रो इज़ वेट विद ऑनेस स्वेट छोटी सी लाइन में कितनी बड़ी बात कही है कि उसकी जो ब्रो है जो आईब्रोज है भोहे हैं वो ईमानदारी के पसीने से गीली है सिर्फ वेट विद स्वेट नहीं लिखा है वेट विद ऑनेस्ट स्वेट दैट मीन्स वो जो भी काम करता है बड़ी ही ईमानदारी के साथ करता है यहाँ पर उसे बहुत ही ऑनेस्ट मैन बताया गया है तो उसकी जो भौहें हैं वो ईमानदारी के पसीने से गीली हैं दैट मीन्स ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन और वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता है ही अर्नस वॉट एवर ही कैन एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस फॉर ही ओज नॉट एनीमैन वो जो कुछ भी कमा सकता है वो कमाता है और पूरी दुनिया को वो फेस में देख सकता है होल वर्ल्ड इन द फेस पूरी फेस में देखने का मतलब है किसी की भी आंखों से आंखें मिलाकर देख सकता है वो किसी से भी आंखें चुराता नहीं है क्यों फॉर ही ओज नॉट एनीमैन क्योंकि वो दुनिया में किसी का भी आभारी नहीं है अब ये तो हुआ लिटरल मीनिंग जो वर्ड से निकल रहा है अब मैं आपको इसका डीप मीनिंग बताती हूँ दैट मीन्स वो जो कुछ भी ईमानदारी के साथ कमाता ही अर्नस वॉट एवर ही कैन अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जो कुछ भी वो कमा पाता है वो कमाता है और पूरी दुनिया को आंखों में आंखें डाल के देख सकता है क्यों क्योंकि वो किसी का भी आभारी नहीं है किसी के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं है उसने किसी से कुछ उधार नहीं लिया है देखो बेटा हम आंखें कब चुराते हैं या तो जब हमारी गलती होती है या तो हमने किसी से कुछ लिया होता है उसको दे नहीं पाते हैं या हम किसी से कुछ छुपा रहे होते हैं हमारी कुछ गलती होती है तो दैट मीन्स वो ऑनेस्ट भी है वो मेहनती भी है जो कुछ अपनी मेहनत से कमाता है, कमाता ईमानदारी से अर्न करता है किसी से बेईमानी से नहीं लेता है तो इसीलिए वो पूरी दुनिया को आंखों में आंखें डाल के देख सकता है क्योंकि वो किसी के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं है कोई बेईमानी नहीं करता कोई गलती नहीं करता है राइट वी कैन आउट फ्रॉम मॉन्टल नाइट यू कैन हियर हिस्स ब्लो हफ्ते आते रहते हैं हफ्ते जाते रहते हैं और सुबह से रात तक आप उसकी बैलोज की ब्लो सुन सकते हैं व्हाट इज़ बैलोज बेटा धौकनी होती है जो उसकी जो भट्टी होती है जिसके अंदर वो मेटल को यानी आयरन को पिघलाता है और फिर उसको शेप देता है उस भट्टी के अंदर आग को और ज़्यादा भड़काने के लिए एक लंबा सा पाइप जैसा होता है उसके अंदर वो फूक लगाता है और उससे ब्लो करके और उससे वो उसको और ज़्यादा जिसको कि हिंदी में बोलते हैं लोहार की धोकनी होती है ना दैट इज़ कॉल्ड बैलो तो वो बैलो के अंदर ब्लो करता है उसमें हवा जो डालता है उसकी आवाज़ ऐसे करके आवाज़ आती है सो यू कैन हीयर हिज बैलो इज़ ब्लो यू कैन हीयर हिम स्विंग हिज हैवी स्लेज विद मेजर्ड बीट एंड स्लो आप सुन सकते हैं उसके बहुत ही स्लेज मीन्स बहुत भारी और बड़ा सा जो उसका हथौड़ा होता है बेटे जितने भी मैकेनिक्स होते हैं ना उसमें से लोहार का हथौड़ा सबसे ज़्यादा भारी और बड़ा होता है तो आप उसका हथौड़ा स्विंग मीन्स वो जो हिलाता है हथौड़े को ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे आयरन को बीट करने के लिए जब वो अपने हथौड़े को पूरी ताकत से ऊपर ले जाके फिर नीचे ला के उसको बीट करता है तो आप उसका वो स्विंग सुन सकते हैं जो कि एक मेजर्ड बीट होती है एक मेज़र्ड बीट मतलब ऐसे नहीं बेतरतीब आवाज़ नहीं आती बराबर डिस्टेंस से बराबर गैप जैसे एक दो सेकंड के बाद बराबर समय के गैप से वो आवाज़ आती है लेकिन काफ़ी स्लो आवाज़ होती है स्लो क्यों होती है क्योंकि वह हैमर बहुत भारी होता है पूरी ताकत से वो उसको ऊपर ले जाता है फिर नीचे ठप ऐसे मारता फिर ऊपर ले जाता है फिर नीचे ठप तो लगातार ऐसे ठप 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 आवाज़ नहीं आती काफ़ी स्लो और काफ़ी मेजर्ड बीट एक सेट बीट होती है उसके हिसाब से उसकी आवाज आती है तो आप उसके हथौड़े की भी वो आवाज सुन सकते हो इसका क्या मतलब है कि हफ्ते आते जाते हैं वो हमेशा सुबह से रात तक आप उसकी धोकनी और हथौड़े की आवाज सुन सकते हो यानी वो सुबह से रात तक काम करता रहता है लाइक द विलेज बैल वैन द इवनिंग सन इज लो एक सेक्सटन की तरह देखिए यह राइट में सेक्सटन का मीनिंग दिया हुआ है एक चर्च का ऑफिसर होता है जो कि चर्च की प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है उसे सेक्सटन कहा जाता है और वो जब विलेज बैल को बजाता है जब शाम को जब सूरज मद्दम पड़ जाता है उसके बाद जब वो जो चर्च का ऑफिसर है वो विलेज की बैल को रिंग करता है वैसी अच्छी सी उसकी भी आवाज़ लगती है यानी उसकी आवाज़ को बहुत ही पवित्र यहाँ पर बताया गया है क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करता है इसीलिए उसकी जो आवाज़ है बैलों की और स्लेज uh, की उसको विलेज बैल के साथ कंपेयर किया गया है एंड चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल लुक इन एट द ओपन डोर और जो बच्चे घर से स्कूल से घर जा रहे होते हैं वो खुले दरवाजे में से उसको देखते हैं वो क्या देखते हैं क्यों देखते हैं दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज उन्हें बहुत पसंद होता है वो फ्लेमिंग फोर्ज को देखना फोर्ज मीन्स फ्लेमिंग मीन्स जो जलती हुई और फोर्ज मीस जो भट्टी है एक फर्नेस होती है एक फर्नेस जिसके अंदर ए, जो आयरन है उसको गर्म किया जाता है और पिघलाया जाता है तो फ्लेमिंग मीनस जलती हुई एंड फोर्ज मीन्स अ फर्नेस तो उन बच्चों को बहुत अच्छी लगती है वो जलती हुई सी भट्टी और हियर द बैलोज रोवर जो धोकने का जो दहाड़ने की आवाज़ है फू फू करके जो आवाज़ आती है वो उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई लाइक चाफ फ्रॉम अ थ्रेशिंग फ्लोर और उन बर्निंग स्पार्क्स जो जलते हुए अंगारे जो चारों तरफ उड़ते हैं ना उनको पकड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है जो कि चाफ की तरह दिखते हैं क्रैशिंग फ्लोर पे जैसे चाफ उड़ता है ना आपने कभी आ, कभी घरों में लेडीज़ को जो धान होता है जो ग्रेन्स होते हैं उनको ये आ, हस्क अलग निकालते हुए देखा है ये लोग क्या करते हैं जैसे गेहूँ होता है ना उसके अंदर बहुत सारे उसके छिलके भी मिक्स होते हैं तो उनको अलग करने के लिए एक तिरपाल बिछाया जाता है फिर एक टेबल फ़ैन रखा जाता है और टेबल फ़ैन के आगे थाली के अंदर से लेडीज़ वो धान को नीचे गिराती हैं जिससे कि टेबल फ़ैन की हवा के साथ वो जो हस्क्स है वो उड़ जाते हैं और जो गेहूं है वो नीचे गिर जाता है बिकॉज गेहूं हैवी होता है तो वो इतनी कम हवा से उड़ नहीं पाता है लेकिन हस्क जो होते हैं ग्रेन्स के जो पील्स होते हैं सूखे वो बहुत ही हल्के होते हैं इसलिए हवा से वो दूर छिटक जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग करना तो जिस तरह से थ्रेशिंग के टाइम पर वो जो अनाज के छिलके उड़ते हैं चारों तरफ उसी तरह से वो जो बर्निंग स्पार्क से वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं तो उन्हें देखने के लिए उन्हें पकड़ने के लिए जो बच्चे हैं वो उसकी वर्कशॉप में ताकझांक करते हैं खुले हुए गेट से ही गोस ऑन संडेज टू द चर्च एंड सिट्स अमंग एंड सिट्स अमंग हिज बॉयज संडेज को वो चर्च जाता है और अपने बॉयज यानी अपने दोस्तों के साथ बैठता है ही हियर्स द पारसन प्रे एंड प्रीच ही हियर्स हिज डॉटर्स वॉइस वो वहाँ पर पारसन मींस जो पुजारी होते हैं वहां पर जो चर्च के अंदर जो होते हैं वो उनकी प्रार्थना और उपदेश जो भी वो सुनाते हैं वो बड़े ध्यान से सुनता है अपनी बेटी की आवाज़ सुनता है सिंगिंग इन द विलेज कोयर कोयर मीन्स गाने बजाने वाला जो पूरा उनका ग्रुप है उसके अंदर उसकी बेटी भी गाती है और वो उनको सुनता है एंड इट मेक्स हिज हर्ड रिजॉइस और अपनी बेटी की आवाज़ सुनना उसके जो उसका जो मन है उसको बहुत ही खुशी से भर देता है बहुत आनंद से भर देता है क्यों भर देता है इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर्स वॉइस सिंगिंग इन पैराडाइज अपनी बेटी की आवाज़ उसे ऐसे लगती है जैसे उसकी माँ उसकी बेटी की माँ यानी उसकी अपनी पत्नी कहीं स्वर्ग में गा रही है मीन्स इससे हमें यह पता चलता है कि उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है वो गुजर चुकी हैं और अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर शायद उसकी वाइफ भी बहुत ही मीठा गाती होगी जैसा कि अब उसकी बेटी गाती है तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर उसे उसकी माँ की यानी अपनी पत्नी की याद आती है जो कि उसके अपनी बेटी की अपनी पत्नी की आवाज़ की तरह लगती है जो कि उसे ऐसा लगता है स्वर्ग में शायद कहीं गा रही है ही नीड्स मस्ट थिंक ऑफ हर वंस मोर हाउ इन द ग्रेव शी लाइज और इस तरह से वो फिर से पूरा उसके बारे में सोचता है कि किस तरह से अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी ग्रेव में सो रही है एंड विद हिज़ हार्ड रफ हैंड ही वाइप्स अ टीयर आउट ऑफ हिज आइज और जब वो ये सब याद करता है कि उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है वो भगवान के पास है वो कब्र में है तो उसके बाद अपने रूखे और खुरदुरे हाथों से अपने हार्ड जो उसके टफ़ हैंड्स हैं रूखे सूखे खुरदुरे से हाथ हैं उनसे वो अपने आंसू पहुँच लेता है अब यहाँ पे रूखे सूखे हाथों का जिक्र क्यों किया गया क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि नो मैटर कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ही ब्राउनी है उसके मसल्स आयरन बैंड्स की तरह हैं उसके हाथ रूखे सूखे और खुरदुरे हैं वो बहुत ही ताकतवर है लेकिन वहीं पर वो काफ़ी इमोशनल भी हैं हाँ वो फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन वो दिल से बहुत ही अच्छा इंसान है बहुत ही इमोशनल इंसान है उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं यानी स्ट्रोंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशन लेस हो जाओ ही इज स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड इमोशनल ऑल्सो टॉयलिंग रिजॉयसिंग सॉरोइंग ऑनवर्ड्स थ्रू लाइफ ही गोज टॉयलिंग मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करना हार्ड तोड़ मेहनत करना सो मेहनत रिजॉयसिंग आनंद से भर जाना सॉरोइंग दुखी होना ऑनवर्ड थ्रू लाइफ ही गो पूरी लाइफ में वो इन सब भावों से उतरता चढ़ता रहता है कभी बहुत मेहनत करता है कभी बहुत खुश होता है कभी बहुत दुखी होता है ईच मॉर्निंग सीज सम टास्क बिगिन ईच इवनिंग सीज इट क्लोज हर सुबह वो देखता है कि कोई ना कोई टास्क बिगिन शुरू होता है नया टास्क नया काम और हर शाम को देखता है कि ये खत्म हो गया है समथिंग अटैम्प्टेड समथिंग डन हैज़ अर्नड अ नाइट्स रिपोर्ट कुछ अटैम्प्ट किया है मींस कोई काम उसने अभी शुरू किया है कुछ काम हो चुका है जैसे होता है ना कभी कभी हम सुबह सुबह कुछ काम शुरू करते हैं दो चार काम होते हैं हम सोचते हैं आज ये सब करेंगे तो कुछ तो कंप्लीट हो जाते हैं कुछ हमने शुरू किए होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते तो सेम समथिंग डन कुछ काम उसके कम्प्लीट हो चुके समथिंग अटैम्पटेड कुछ काम करना उसने शुरू कर दिया है आधा हो चुका है और आधा वो कल करेगा has earned a night's repose. और इतना कुछ अटैम्प्ट और डन करने के बाद उसको जो मिलता है वो है एक रात्रि का विश्राम रिपोर्ट मतलब विश्राम उसके बाद उसे एक रात का विश्राम मिलता है और फिर से वो अगली सुबह काम पे लग जाता है अब देखो लास्ट अंतरे में जो ऑथर है वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्होंने हमको पूरी ब्लैक स्मिथ की जीवनी बताई है ना वो कैसा दिखता है कैसा है उसकी उसके अपेरेंट्स कैसी है फिर वो किस तरह से काम करता है फिर उसका इमोशनल साइड भी हमें बताया है ना अब उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है पूरा ये सब कुछ बता के ऑथर हमें कहना क्या चाहते हैं दैट इज इन दिस धन्यवाद दी मीन्स आपको तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद किसको कह रहे हैं लेखक माई वर्दी फ्रेंड मेरे बहुत ही अनमोल दोस्त ये उस ब्लैक स्मिथ को कह रहे हैं ठीक है फॉर द लेसन दो डॉट उस लेसन के लिए जो आपने हमको सिखाया है उस सबक के लिए जो आपने हमको सिखाया अब ब्लैक स्मिथ ने हमको क्या सिखाया है दस एट द फ्लेमिंग फोर्ज ऑफ लाइफ आवर फॉर्चून् मस्ट बी रोड दस मतलब ऐसे ही ऐसे ही कैसे ही जैसे कि आप फ्लेमिंग फोर्ज पे अपनी भट्टी पे आयरन को पिघलाते हो और शेप देते हो उसी तरह से हमारी लाइफ की जो फ्लेमिंग फॉर्ज है लाइफ का फ्लेमिंग फ्लॉज फॉर्ज किसको कहा है जीवन के संघर्ष को है ना जीवन के संघर्ष को यानी टॉयलिंग द वन जो आम आदमी एक दिन रात मेहनत करता है अपनी अर्निंग्स कमाने के लिए उसे यहाँ पर लेखक ने फ्लेमिंग फॉर्ज कहा है ध्यान से सुनिए कि ऐसे ही जैसे कि ये ब्लैक स्मिथ अपनी जलती हुई भट्टी पर आयरन को पिघलाते हैं वैसे ही हमारा जीवन संघर्ष भी हमें पिघलाता है है ना मतलब हमें एक पर्सन एक पर्सन के तौर पे एक पर्सनालिटी के तौर पे हम उसमें पिघलते हैं उस संघर्ष की भट्टी में जलते हैं तपते हैं आवर फॉर्चून्स मस्ट बी रॉट और इसी तरह से हमारे फॉर्चून्स जो हैं वो गढ़े जाते हैं रॉट मींस गढ़ना बनाना शेप देना तो गढ़े जाते हैं दस ऑन इट्स साउंडिंग एनविल शेप्ड ईच बर्निंग डीड एंड और उसी तरह से जैसे आप अपनी एनविल एनविल क्या होती है ये एनविल होती है बच्चों ये जो नीचे टेबल है ना जिसके ऊपर ये इसने पकड़ रखा है हाथ से कुछ और जिसके ऊपर रख के ये हैमर से उसको पीट रहा है दैट इज़ कॉल्ड एनविल इसके हाथ में जो है वो स्लेज है और इसने प्लायर से कोई चीज़ पकड़ रखी है और फिर जिस चीज़ के ऊपर उसको रख रखा है प्लायर से पकड़ के जो एक लंबा आयरन का शीट है दैट इज़ द एनविल तो ये लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि उस एनविल साउंडिंग एनविल वो जो ठप ठप की आवाज़ के साथ एनविल के ऊपर जिस तरह से एक जो ब्लैक स्मिथ है वो लोहे का आकार देता है उसको पिघलाता है उसी तरह से हम लोग भी इस संघर्ष की भट्टी में तपकर अपने फॉर्चून को आकार दे सकते हैं हमारे सभी कर्म और सोच के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्च्यून को आकार देते हैं अपनी तकदीर को आकार देते हैं अपने भविष्य को आकार देते हैं यहाँ पर बेटा अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन संघर्ष की भट्टी में तपकर और अगर हम उसके अंदर भी अगर अपने कर्म और अपनी सोच अच्छी रखते हैं तो हमारा भविष्य हमको ज़रूर से अच्छा रिटर्न देता है और अगर हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं कुछ गलत कामों में गलत आदतों में फंस जाते हैं तो हमारा कर्म भी फिर वो जैसे उसका लोहे का शेप बिगड़ जाएगा अगर ढंग से शेप नहीं देगा तो उल्टा उल्टा पुलटा कुछ बन जाएगा तो ऐसे ही हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाता है तो इसमें यह है कि हम खुद ही अपने फ्यूचर के निर्माता हैं हम खुद अपने भविष्य को जो है आकार दे सकते हैं उसको बहुत अच्छा भी बना सकते हैं और उसको बिगाड़ भी, भी सकते हैं तो बस ब्लैक स्मिथ से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम बहुत अच्छे से अच्छे कर्म करें और अपने भविष्य को अच्छा बनाएं तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं आई होप सेम क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक में भी होंगे ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर का देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क थॉमस एल्वा एडिशन इसका बचा हुआ पार्ट ये नेक्स्ट पेज पे था डज दिस दिस कोट अप्लाई टू टू द विलेज वुड यू लाइक फॉलो इन लाइफ गिव फॉर योर आंसर तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ये देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ आंसर दिस क्वेश्चन इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर देना होता है जो भी पूछा गया है देन आंसर दीज क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसमें ये जो लाइनें दी हुई है जैसे ही अर्नस वट एवर ही कैन एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस फॉर ही ओज नॉट एनी मैन इन लाइनों के अंदर से बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर हम उनका आंसर देते हैं ए बी सी क्वेश्चन है जो कि ऊपर लिखी हुई लाइनों में से पूछे गए हैं ये सारे आंसर मैं आपको अभी आगे देने वाली हूँ उसके बाद थिंक कैन आंसर ये थोड़ा सा चैप्टर से तो होते ही हैं लेकिन इसमें से बच्चे खुद अगर अपना सोच के आंसर लिखे तो बेटर है हालांकि मैंने कोशिश की है आपको लेकिन आप इसमें अपना अलग आंसर भी कोई लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और लगता है सो हेयर आर योर आंसर दीज क्वेश्चन्स ये जो आंसर दीस क्वेश्चन थे हमारे फर्स्ट उसके आंसर्स हैं द ब्लैक स्मिथ्स वर्कशॉप इन द व विज अंडर अ चेस्टनट ट्री बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्मिथी कहाँ पर है तो उसका आंसर हमने लिखा है देन उसमें कहा था कि डिस्क्राइब द ब्लैक स्मिथ्स वर्क एंड हाउ ही वर्क्स सो ब्लैक स्मिथ कैसा था ही वॉज़ अ माइटी मैन विद लार्ज एंड सिन््यू हैंड्स क्रिस्प ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर मैंने शॉर्टेस्ट और मतलब शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखने की कोशिश की है आप चाहें तो इसे काफ़ी लंबा लिख सकते हैं बट आई मेड इट शॉर्टेस्ट कि इसमें सारी बात भी आ जाए फिर भी ईजी लैंग्वेज रहे और शॉर्टेस्ट रहे तो ये आंसर है आपका देन स्कूल चिल्ड्रन उसके वर्कशॉप पे क्यों आते थे तो ये भी मैंने शॉर्टेस्ट करने की कोशिश करी है they love to see the flaming force, hear the bellows roar and catch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor then fourth question is uh, where he goes on sunday i think yes and why does his daughter's voice make him rejoice he he went he goes to the church on sundays and his daughter's voice make him rejoice as he sees a reflection of his wife in her Hannah shortest and sweet again then lies last, uh, last आंसर दीज क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज वाई डी वीप इन चर्च सो ही वीप्स इन चर्च एज ही इज रिमाइंडेड ऑफ इज डिजीज वाइफ अपनी जो मृतक पत्नी है उनको याद करके वो वहाँ पर होने लगता है ये जो रेफरेंस क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर लाइनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये है उनके आंसर्स ए बी सी फर्स्ट का एंड देन सेकेंड ए बी सी तीनों आंसर्स हैं एंड थिंगन आंसर कौन सा लेसन हम पढ़ते हैं तो ये सेटिस्फैक्शन एंड हार्डवर्क हार्डवर्क और सेटिस्फैक्शन है ना वॉट एवर ही जो वो कमाता है देखो ऑनेस्ट इसीलिए है क्योंकि सेटिस्फाइड है अगर ऑनेस्ट नहीं रहेगा सॉरी तो, सेटिस्फाइड नहीं होगा तो डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा कि नहीं हमें तो ऐसा टीवी चाहिए ऐसा फ़ोन चाहिए ऐसा वो तो फिर उसमें डिसऑनेस्टी आती है इंसान में लेकिन उसको जो कुछ कमाता है उसमें वो सेटिसफाइड है और इस तरह से ऑनेस्ट भी है सो हार्डवर्क एंड सेटिसफैक्शन आप चाहें तो इसमें ऑनेस्टी भी ऐड कर सकते हैं देट इज़ ऑल्सो करेक्ट बट मुझे ये दो बेस्ट लगे थे तो वही शॉर्टेस्ट आंसर मैं बनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने ये दो मेन चीज़ें ऐड करी है देन द लास्ट वन इज़ यस द कोड श्योरली अप्लाइज टू द विलेज ब्लैक स्मिथ एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू फॉलो इट बिकॉज वर्किंग हार्ड कंसिस्टेंटली पेज इन द लॉन्ग रन बहुत सिंपल शॉर्ट मैंने आंसर देने की कोशिश की है कि हाँ ये कोड बिल्कुल से विज ब्लैक स्मिथ की लाइफ पर जो है अप्लाई करता है और मैं भी इसको अपने फॉलो करना चाहूँगा या चाहूँगी क्योंकि लगातार हार्ड वर्क करना जो है लॉन्ग रन में हमें वापस से ज़रूर पे करता है तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ़ॉर वॉचिंग एंड आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप और किस बुक के और किस चैप्टर्स की वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग